आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाई नोड क्या है, इसको किस तरह से हम रन कर सकते हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें डॉकर की तो डॉकर क्या है, उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, सारी चीजें इंस्टॉल करने के बाद, सेटअप करने के बाद उसका हमें फायदा क्या होगा। तो इन तमाम चीजों को तफसील से समझने के लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाई नेटवर्क की एक और अपडेट के साथ मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल रहमान लियाकत। आज की इस वीडियो में हम पाई नोड को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये टेक्निकल काम होगा, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि आप इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पाई ऐप के साथ पाई नोड की ऑप्शन नजर आ रही है। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है, या यहाँ नीचे आपको नोड की ऑप्शन मिलेगी, इनमें से दोनों में से आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पाई नोड पे क्लिक करता हूँ। टर्न द नोड ऑन, यू आर अनेबल टू रन द नोड वर्जन दैट कंटेन्स द ब्लॉकचेन। यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूं कि अगर आपने पाई नोड रन करना है तो उसके लिए आपके पास लैपटॉप या पीसी दोनों में से कोई ना कोई एक चीज होनी चाहिए। आप मोबाइल पे पाई नोड रन नहीं कर सकते। By turning on the switch below, your computer will start running a Docker container. Docker एक कंटेनर है जो हम उसको रन करते हैं, जिससे हमारा ब्लॉकचेन का सारा एक सेटअप एक्टिव हो जाता है। That runs the consensus algorithm and enables you to observe the Pi testnet. ये basically Pi Core team ने develop किया है Pi testnet के लिए। It will stay on until you switch it off. जब तक आप इसको ऑफ नहीं करेंगे, ये ऑफ नहीं होगा। Switching off means your computer does not run a blockchain. On करने का मतलब है कि आपका computer blockchain run कर रहा है। Blockchain क्या है? Blockchain समझ के इसमें decentralization के transactions होती हैं, इसमें मुकम्मल जो इसके network की computer पर सिर्फ transactions होती हैं, वो सारी blockchain पे हो रही होती हैं। एक transaction एक block में आती है, वो block उसमें blockchain पे add होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। You are a node candidate. We have not selected the supernodes or nodes that participate in the Pi testnet yet, which requires passing KYC. We will make selection soon. वो कह रहा है कि अभी तक आप नोड हैं, सुपर नोड नहीं है। सुपर नोड हम खुद चूज करेंगे, उनको जिनकी KYC क्लियर हो चुकी होगी, तो मेरी भी KYC क्लियर हो चुकी है, तो मैं भी इस चीज के लिए समझ अप्लाई कर सकता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली इस बटन को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे बटन मिलेगा विजिट टेक्स सेटअप का, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। पहले नंबर पे आपने इंस्टॉल डॉकर, आपने डॉकर को इंस्टॉल करना है, डॉकर कंटेनर है, उसको इंस्टॉल करने के लिए आप इस पे क्लिक करें, और यहाँ पे इट लुक्स लाइक डॉकर इज करंटली इंस्टॉल्ड, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, आपने सिंपली गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है डॉकर कंटेनर, docker डॉकर और .com लिखनी, या सिंपल डॉकर लिख के सर्च करने आपको आपको सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डॉकर एक्सेलरेटेड कंटेनर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डॉकर की जो वेबसाइट है उसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे आपको वहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन भी मिल जाएगी, सिंपली डॉकर को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। आपको मैं सारे स्टेप प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपली वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप। यहाँ पे आपके पास काफी सारी ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने मैक के लिए डाउनलोड करना है, विंडो के लिए, या लिनक्स के लिए। तो आपने सिंपली क्या करना है, डाउनलोड डॉकर फॉर विंडोज, उस पर आपने क्लिक करके उसको एज अ विंडो के लिए डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज AMD64 इस पर क्लिक करके इसको विंडो के लिए डाउनलोड करना स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डॉकर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर हम वेट करेंगे ताकि हमारा जो डॉकर है वो डाउनलोड हो जाए, फिर आपको मैं इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड्स के सेक्शन में आ चुका हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड्स में हमारे प्रोग्राम्स के सेक्शन में हमारा जो डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलर है वो इंस्टॉल हो चुका है। आपने सिंपल इस पर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका एक सेटअप स्टार्ट हो जाएगा कि आपने इसको इंस्टॉल करना है अपने डिवाइस के ऊपर। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, यस करेंगे। डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, यस। तो जैसे ही आपका डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा आपने सिंपली इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आना है, जो स्टार्ट का बटन है उस पे आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है डॉकर को। अगर यहाँ पे आपको डॉकर नहीं मिलता, ये हमारे पास ये डी के सेक्शन में डॉकर डेस्कटॉप आ गया है, इस पे क्लिक करके आपने सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, रन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने दोबारा से पाई में वापस आ जाना है।
It looks like the talker is not running. Please start it before proceeding to the next step. एक यहाँ पे लाइन आपको ग्रीन नजर आ रही है कि टॉकर इंस्टॉल हो चुका है, और दूसरी क्या है, रेड है कि अभी टॉकर हमने रनिंग फॉर्म में नहीं है। टॉकर को हमने इंस्टॉल तो कर लिया है लेकिन उसको अभी तक हमने ओपन नहीं किया, रन नहीं किया। तो पहले आपने उसको ओपन करना है, रन करना है, फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो आपने सिंपली आपको मैंने बताया है यहाँ पे सर्च करना है टॉकर और उस ऐप को ओपन कर लेना है। थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी है, लोड में टाइम लेगी। जैसे ये लोड हो जाएगी आपके पास यहाँ पे ओपन होगा, आ जाएगा टॉकर कंटेनर और उसमें पाई रन हुआ भी आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे जो पाई नेटवर्क की ऑप्शन आ रही है ये मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें पाई नेटवर्क के सामने यहाँ पे ये पाई आपको ग्रीन नजर आ रहा है क्योंकि पाई एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे 39% इसका सीपीयू इस्तेमाल कर रहा है और 24 सेकंड हो गए इसको स्टार्ट हुए। अब हम चलते हैं अपने ऐप में और देख सकते हैं कि टॉकर डिमांड इज रनिंग, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ है, टॉकर रनिंग फॉर्म में आ चुका है। इसको हमें सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पाई नोड है सक्सेसफुली रनिंग फॉर्म में आ चुका है। आपका कंप्यूटर ब्लॉकचेन रन कर रहा है। ब्लॉकचेन रन करने का आपको फायदा क्या होगा, ब्लॉकचेन रन करने का आपको फायदा ये होगा कि आपको रिवार्ड मिलेगा। जिस तरह हम पाई की केवाईसी वैलिडेटर बन के उसमें रिवार्ड हासिल करते हैं या अपनी कम्युनिटी सर्कल बनाकर उससे रिवार्ड हासिल करते हैं, वैसे ही पाई नोड रन करके भी आपको इसके बदले में रिवार्ड मिलेगा। आपने करना कुछ भी नहीं है, एक बार टॉकर को ओपन करना है और उसको रन करना है। रन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे योर कंप्यूटर इज रनिंग द ब्लॉकचेन, मतलब ये आपकी लिखी हुई आपको आ रही है, इट मींस आपको इसका रिवार्ड मिलना स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद आपने इसको कुछ भी नहीं करना, आपने वापस पाई ऐप पे आना है। पाई ऐप पे आने के बाद मैं आपको शो करवाता हूँ या दिखाता हूँ कि आपको इसका रिवार्ड मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो पाई ऐप पे वापस आने के बाद आपने यहाँ पे जो आपका माइनिंग रेट आ रहा है उस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पाई नोड की तरफ से भी आपको बोनस मिल रहा है या नहीं। नोड बोनस यहाँ पे है, जैसे ही आपका कंप्यूटर थोड़ी देर इसको रन करेगा तो यहाँ पे आपको इसका नोड का बोनस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो तमाम बोनसेस और रेट हैं जो आपके बूस्टर्स की वजह से आपको मिल रहे हैं। ये बेस रेट है जो सभी को मिलता ही मिलता है 0.0053। उसके बाद जो बूस्टर है यहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी सर्कल का बूस्टर है। जितनी ज्यादा आपकी कम्युनिटी होगी उतना ज्यादा ये आपको बूस्टर मिलेगा। उसके बाद लॉकअप रिवार्ड भी है, जितना ज्यादा आपने लॉकअप रिवार्ड किया लॉकअप किया होगा अपने बैलेंस को उतना ज्यादा आपको रिवार्ड मिलेगा। जितनी ज्यादा मुद्दत के लिए किया होगा वो भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद रिवार्ड आता है पायोनियर रेफरल टीम और यूटिलिटी यूजेज का। और लास्ट में हमारे पास नोड बोनस है जो कि अभी 0.00 है, क्योंकि अभी तक अभी बिल्कुल हम इसको रनिंग करना स्टार्ट किया है। जैसे ही थोड़ी देर रनिंग फॉर्म में रहेगी अभी यहाँ पे भी आपको 0.01 या 0.1 लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने अपने कंप्यूटर पे ब्लॉकचेन को रन करने का मेथड सीखा। उसके दो स्टेप थे, सबसे पहले आपने पाई नोड को एक्टिव करना है, ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने टॉकर कंटेनर को डाउनलोड करना है। किस वेबसाइट से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। सिंपली आपने टॉकर लिखकर सर्च करना है, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली पाई ऐप में वो एक्टिव हो जाएगा, ग्रीन आ जाएगा और आपका लिखा हुआ आ जाएगा कि योर कंप्यूटर इज रनिंग ब्लॉकचेन, लोकल ब्लॉक नंबर आपका ये है और आपका कंप्यूटर ब्लॉकचेन रन कर रहा है। तो इस तरह से आप अपनी अर्निंग को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियो ऑटोमेटिकली आपके होम स्क्रीन पे आती रहे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और वालदैन की खिदमत करते रहें। अल्लाह निगहबान।